काहिर साहब मिजाज ग्रामी कैसे हैं ये बताइए। माजी के मशहूर फिल्म स्टार आजकल क्या कर रहे हैं? हम एक फिल्म बना रहे हैं जो बन चुकी है। अच्छा, इंशाल्लाह ताला रिलीज करनी थी हमने। हाँ लेकिन चूंकि वो ये वायरस वगैरह जो बातें कर रहे हैं आप जी, इसकी वजह से थोड़ा सा रोक लिया, क्योंकि हुजूम में जाना, इकट्ठा होना, सिनेमा जाना, जहाँ पर अच्छा की मुझे जगह बात तो सुने, मुश्किल आप है। वो वेब सीरीज शुरू कर रहे हैं उस पर काम करेंगी आप? अरे कंफर्म, पहले से अच्छा पहले वह नहीं चाहिए मुझे। नहीं नहीं पैसे देंगे आपको, पैसे क्यों नहीं देंगे आप? अच्छा, पहले भुगत करो ना, वो कह रही पैसे तो आप ही ले लेगी, पैसे तो लाने आंदे ने। अरे क्या बात है, ये तो दुनिया की वाहत औरत है, सिग्नल तो रुके ना, फकीर आके कोई अल्लाह तो ना दे तो कुछ दे के जाता हो। आपकी फिल्म का नाम क्या है ये तो बताइए देखने वालों को। जी हमारी फिल्म का नाम है हुए तुम अजनबी। अच्छा ये 71 की वॉर के ऊपर फिल्म है। अच्छा, और ISPR के साथ मिलके हमने ये फिल्म बनाई है। ग्रेट, और कामरान शाहिद ने इसको डायरेक्ट किया है। ओह माय गॉड, क्या बात है, बड़ा चैलेंज है। तब आप बताइए आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की? स्टार्ट तो जो मेरी मदर की फ्रेंड थी वो लेकर आई थी फनी शो में, मतलब वो अपनी पे के लिए आई थी वहाँ पे, तो हमें साथ लेकर आई थी, यानी कि ऐसे मिलाने के लिए। अच्छा, तो वहाँ पे तब पहली दफ़ा मैंने सबा कमर को देखा था, मतलब बिल्कुल स्टार्ट। तो वहाँ पे बॉबी थे जो आपके यहाँ पे भी काम हमारे पास है, तो उन्होंने फिर वही उन्होंने मुझे पहला काम दिया था। ओके, वो भी नहीं। अच्छा, तो पहला काम मैंने उनके साथ किया था, जबकि आज तक उनको खुद कोई काम नहीं मिला। बॉबी के लिए बजवाई हमने तालियां। अच्छा फैसल कुरैशी साहब, आप बताइए मीडिया में कैसे आना हुआ? सहाफत से पहले आपके क्या मशागल? नहीं मैं सहाफी नहीं। ठीक है, सहाफत से मेरा कतन कोई ताल्लुक कभी नहीं था। अल्लाह, तो फिर मीडिया में कैसे आए ये भी बताइए। आई लाइक योर एक्सप्रेशन सीरियसली। मीडिया में कैसे आए, बड़ी पुरानी बात है। शांता सीर, वो हम भी ऐसी फजूल कहीं बैठे थे, एक दोस्त ने कहा टीवी पे आएगा, मैंने कहा चल, तो चले शो क्या करेंगे पता नहीं, तो शो का नाम भी क्यों पता नहीं था, तो लूज एंड्स था, क्योंकि बातें क्या करनी थी वो भी नहीं पता थी, तो हमने कहा शो का नाम ही लूज एंड्स था। मैं बैठ जाता था, उमर शेख था, उसकी बीवी तानिया, हम तीनों बैठ के गप्पे मारते थे, वो मशहूर हो गए। अच्छा, फिर वो क्या बात, फिर चल सो चल। ये आइडियाज कहाँ से जनरेट करते थे आप? उनमें मैं बस ये पेड़ में से असबर निकलता है। तो अड्डे अंदरों आइडियाज निकल देने, चाचे दे अंदरों जब निकल दिए गैस निकल। वो गैस भी आइडिया वाली होती है यार। मेरे चाचा के पास तो ऐसी गैस है कि साथ वाले बंदे का दिमाग से आइडिया ही निकल जाता है। चाचे दे अंदरों इतनी गैस निकलती है, चाची ने कई बार दी मुंह नल चूल्हा बन देता। ये फिर लोगों को कहता कि मेरी मां ने मुझे गैस पे चूल्हे च पैणे है। शायद साहब सुने पहला डायलॉग बोलते हुए आपको बहुत तकलीफ पेश हुई, आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी उठते वक्त, उठते वक्त मतलब कि जब मैं उठने लगा था उस वक्त मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। Why is that? लोग काफ़ी थे, पूरी इंडस्ट्री आई हुई थी उस वक्त, ईस्ट पाकिस्तान भी था, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी फर्स्ट टेक जो थी वो ओके थी। अगर आप कहें तो आपके साथ वो डायलॉग सुना दूँ आपको। हामी ना भरना, क्योंकि जो मुश्किल पेश आई थी वो इसलिए आई थी कि डायरेक्टर ने कहा था कि हिरवन से दूर आके बोलना है। हाँ। तो इनको मुश्किल आ रही थी। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं थी। नहीं नहीं वो डायरेक्टर साहब ने मुझे ये कहा था कि कभी आप कॉलेज में पढ़े, मैंने कहा जी, मैंने कहा को एजुकेशन में पढ़ाऊँ लड़कियों के साथ, कहता कभी कोई गर्लफ्रेंड बनाई, मैंने कहा जी गर्लफ्रेंड जी, मैंने कहा जी, कहते जब वो नाराज़ होती थी तो कैसे मनाते थे आप? तो मैंने कहा कि बता देता हूँ आपको क्या, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि रानी एक बार दरवाज़ा तो खोलो। उसके बाद वो गाना आया मेरा पहला, क्या एक बार चले और फिर आके चले। हाय वाकई क्या बात है, गाने की भाई तालियां। अच्छा चले, वो डायलॉग तो नहीं हुआ मगर ये गाना मैं आपके साथ करा सकती हूँ, मगर पहले आप मुझे जान की अमान देंगे फिर मैं ये गाना कराऊंगी। बस तेरा ईमान ताजा हो जाएगा देखिए। ये जान की अमान नहीं देंगे, तेन जान ही नहीं देंगे। Thank you.
फैसल साहब आप बताइए, कामयाब एंकर मैन मेन स्ट्रीम को खैर बात कहकर तो अब सोशल मीडिया पे अपने काम को जो है वो फैला रहा है, व्हाई इज दैट? मैं रिटायर्ड हूँ, मुझसे वो रोज टाई पहन के ट्रैवल आप नहीं कर सकते, ज़िंदगी कोई नहीं, वो मेरे में कैपेसिटी नहीं है। दूसरा ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो सुनना चाहता है वो मैं कहना नहीं चाहता, जो मैं कहना चाहता हूँ वो सुनना नहीं चाहता, तो ये भी एक इख्तलाफ है मेन स्ट्रीम मीडिया से। सोशल मीडिया पर अपने बाप का जो चाहे बोल, थोड़े से लोग गालियाँ देते हैं ना, दे रहे क्या गालियाँ कड्ढन से साड़ी कौम इन्नी शौकीन है कि लोगों को सोशल मीडिया से गाला पैदा चाचे घर आ के लोग गाला कट देते और इसे गल तो कट देने, तू सोशल मीडिया से क्यों नहीं आ रहे, गाला कटनी होंगे चाचा जी, वो जलते हैं आपसे। हाँ आप डालो काम करो बे, जलने वाले का मुंह काला, ये लोग भी साड़ गए, जाल जाल के साड़ गए, परे हट, आप काम करो जी। इदा मुंह काला करने लई ना जी बड़ा इत्थे तक आना पैना, क्योंकि मुंह काफी उत्ते वे ओ मर्दाना हुसन ते वेखो यार जलते हैं लोग इससे लोग तो इतना जलते हैं चाचा से कि एक दो लोगों ने चाचा को जलाने की भी कोशिश की माचिस लगा के। ऑलरेडी बहुत जलया हूं, लोग लंघते चाचा ना सिगरेट भी ला लेंगे। अब कभी नहीं आएंगे आप मीडिया में? बहुत सारे पैसे को दे देगा जाऊंगा। Really? मैं नहायत बिकाऊ आदमी हूँ, खरीदार चाहिए। दाम सही होना चाहिए सर। वेलकम बैक, यू वॉचिंग तारों से करें बातें। शायद साहब आपने बेशुमार फिल्मों में लाल जवाल किरदार निभाए, किन नशेब व फराज का सामना रहा बताइए ना? उनको 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 जिन हीरोइंस के साथ काम किया है, जिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ, बहुत अच्छा टाइम गुजारा हमने। रियली? और ऐसा वक्त शायद कभी पाकिस्तान में आए कभी, लेकिन उस वक्त यह था कि कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी होती थी सबकी, हम लोगों की, मतलब मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वहीद मुराद साहब, ये सारे मुझसे बहुत सीनियर थे। मैं 1971 में आया तो तकरीबन जितनी भी हमारी फीमेल आर्टिस्ट थी, दे वर वेरी नाइस।